उसके अंदर हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसका डेरिवेशन भी हम इसमें करने वाले तो आपको को तो आप देख सकते हैं हमने कोची -रीमान को किया है। अब ये जो इक्वेशन होता है इसको हम कहते हैं कोची रिमान इक्वेशन ठीक है तो जब भी किसी इक्वेशन को कार्टिजन कोऑर्डिनेट से हम पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट इज लाइक एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा इस टाइप का ट्रांसपोजिशन हम यहाँ पे यूज करते हैं तो इन जनरल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम एक्चुअली लाइक uh, like, uh, जो हमारे पास मैं याद करने के तरीके से मैं अगर आपको बताऊं यानी कि एक ट्रिक के फॉर्मेट में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसका जो पोलर फॉर्म जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं आपको क्या करना है जहां पे भी डेलेक्स लिखा हुआ है आ, वहां पे क्या करना है आपको डेल आर लिखना है और जहां पे भी डेल वाई लिखना है लिखा है वहां पे आपको आर डेल थीटा लिखना है ठीक है अगर आप इससे रिप्लेस कर देंगे तो आपको पोलर फॉर्म मिल जाएगा बट हालांकि मैं इसका लाइक डेरिवेशन वो भी करूंगा बट आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद रखना है ठीक है तो क्योंकि हम जनरली इक्वेशन में लाइक like क्वेश्चन में इसका यूज करते हैं ठीक है तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन आपको मिल जाएगा डेल पे डेल एक्स लिखा डेल आर से रिप्लेस कर देंगे एंड ये हो जाएगा डेल वी अपॉन ये हो जाएगा आर डेल थीटा एंड सेकंड वाला जो है वो हो जाएगा डेल यू अपॉन आर डेल थीटा ये हो जाएगा आर डेल थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी और ये हो जाएगा डेल आर ठीक है कुछ कुछ लाइक बुक में या क्वेश्चन में हम ऐसा भी करेंगे कि इस आर को हम यहाँ लिख देंगे ठीक है और इस आर को हम यहाँ लिख देंगे तो वो एक फॉर्मेट हो जाएगा वैसे आप इसको कैसे भी करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पर अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन के बारे में यानी कि हम डिराइव करते हैं सो so, द डेरिवेशन डेरीवेशन ऑफ पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन तो जो सी आर इक्वेशन है उसके पोलर फॉर्म की बात हम यहां पे करते हैं तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है दट इज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एक्स सॉरी एफ जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ जेड ये जो है डब्ल्यू है वो कैसा है एफ जेड है नाव अब देखो

साइन थीटा तो हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल्स टू आर कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा नाउ अब एक फॉर्मूला होता है जिसको हम यूलर फॉर्मूला कहते हैं कि आयोटा थीटा जो होता है वो कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है इसको ऑयलर या यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं ठीक है ये हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा जेड इज इक्वल टू आर और ये हो जाएगा ई टू पावर आयोटा थीटा मतलब जेड जो है वो मिल गया हमको आर ई टू दावर आयोटा दिस इज द इक्वेशन नंबर टू नाउ अब क्या कर रहा है यहाँ पे ये जो जेड का वैल्यू है इस जेड के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे ठीक है जेड के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे टू विल गेट तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड z तो का वैल्यू हमको यहां पे पुट करना है तो u एक्स वाई एक्स वाई की जगह हम लिखेंगे r ऑफ cos थीटा एंड r ऑफ sin थीटा प्लस ये हो जाएगा आयोटा v r cos थीटा एंड r sin थीटा ठीक है दैट इज इक्वल्स टू अब ये किसके इक्वल हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा फंक्शन एफ जेड है ना फंक्शन क्या हो जाएगा एफ जेड जेड की जगह आ जाएगा आर e टू दी पावर आयोटा थीटा

पार्शियली respect टू आर हम यहां तो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर यहाँ पे आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर इज प्लस प्लस आयोटा v अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू अब इसका करेंगे वापस तो क्या आ जाएगा यहां पे डेल डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा r e टू पावर आयोटा अब इसका वापस करेंगे r के रेस्पेक्ट में तो r के रेस्पेक्ट में करेंगे e टू दी पावर i थीटा एज इट इज रहेगा और r का हो जाएगा वन तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 नाउ अब आप एक चीज देख रहे हैं कि इस टर्म में और इस टर्म में ओनली r iota का डिफरेंस तो क्या करेंगे ऑन लाइक ऑन इक्वेशन नंबर 4 r iota हम इसको r iota से मल्टीप्लाई कर देंगे

और यहाँ पे ये जो आयोटा स्क्वायर है इसको ऐसे लिख देंगे आर आयोटा, अच्छा इसको माइनस वन लिख देते हैं ना यार इसको क्या लिख देंगे लिख लिख देंगे लिख देते हैं पे वन आर हो हो ठीक है ये आर हो इसको जो करेंगे तो ये आपको माइनस आर मिल जाएगा चलो now, by equation number 3 and 5, हम बराबर रख देंगे equation number 3 and 5 को. तो को बराबर रखेंगे तो दैट विल बी डेल यू डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी डेल थीटा दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस ये हो जाएगा आयोटा डेल वी ऑन डेल आर ठीक है ना अब क्या हो जाएगा यहाँ पे इनका सॉरी सॉरी ये क्या हो जाएगा माइनस होगा ना यार एक सेकेंड ये वाला टर्म आएगा ना सॉरी फॉर दैट ये वाला टर्म आएगा तो ये हो जाएगा आर आयोटा डेल यू ऑन डेल आर काम करते हैं हम इसको आगे लिखते

ठीक है अब इसको लाइक ऐसे भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने पर एक इक्वेशन हो गया सेकंड इक्वेशन आ जाएगा इमेजनरी पार्ट को करने पे ठीक है हम यहाँ पे इमेजनरी पार्ट को ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल थीटा दैट इज इक्वल टू आर डेल यू अपॉन डेल आर तो ये क्या हो जाएगा आपको रिक्वायर्ड सी आर इक्वेशन हो जाएगा और ये सीआर इक्वेशन हमने ऊपर जो आपको ट्रिक बताया है कि आप किस टाइप से कार्टीजियन कोऑर्डिनेट की सीआर इक्वेशन में इन दोनों टर्म को रिप्लेस करके भी गेट लाइक ऑपटेंड कर सकते हैं आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा सो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो कीॉचिंग एमएसएस एंड फॉर मोर वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू बाय